हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट, जो कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। इसके 50 एमसीक्यूज को इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेक्राइड। इसमें से बताना है मोनोसेक्राइड कौन सा है। तो पहला ऑप्शन लैक्टोज है, जो की एक डाइसेक्राइड है। सुक्रोज भी डाइसेक्राइड होता है। यहाँ जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड होता है और माल्टोज भी डाइसेक्राइड है। तो यहाँ पे मोनोसेक्राइड पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डाइसेक्राइड एंड अ पॉलीसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताना है। तो जो डाइसेक्राइड होता है उसमें दो मोनोसेक्राइड के मिलने से बनता है, ठीक है। और पॉलीसेक्राइड बहुत सारे सैक्राइड यानी मोनोसेक्राइड के मिलने से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। जो डाइसेक्राइड है वो दो मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बनता है, जबकि पॉली जो है कई मोनोसेक्राइड्स के मिलने से बनते हैं, ठीक है। तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा गिवन ऑप्शन में से। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, बिकॉज ये जो है पॉली सेक्राइड के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, आपको पता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसमें बताना है नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर यहाँ पे ऑप्शन बी जो है सुक्रोज, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ईपीमर क्या होते हैं। तो यहाँ पे ईपीमर को डिफाइन किया गया है। तो ये जो है पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है, आप इसे देख लेना। म्यूटा रोटेशन अगला है कि म्यूटा रोटेशन क्या होता है। तो म्यूटा रोटेशन इज द चेंज ऑफ द ऑप्टिकल रोटेशन बिकॉज ऑफ द चेंज इन इक्विलिब्रियम बिटवीन टू एनोमर्स व्हेन द करस्पॉन्डिंग स्टीरियोमर्स इंटर कन्वर्टेड। ये जो है आपका म्यूटा रोटेशन का करेक्ट ऑप्शन होगा। एनोमर्स के लिए करेक्ट ऑप्शन ए होगा। एनोमर्स क्या होते हैं, एनोमर्स आर ए स्टीरियो आइसोमर दैट डिफर इन द कॉन्फ़िगरेशन एट अ एनोमरिक कार्बन। अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसमें बस हम सारे एमसीक्यूज का आंसर आपको हम बताने वाले हैं। इसका एक्सप्लेनेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वहां पे आपको इन सारे टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। फिशर प्रूफ यूज टू डिटरमाइन। तो फिशर प्रूफ का यूज कहाँ होता है, द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द एनोमरिक कार्बन इन अ शुगर का पता लगाने के लिए, ठीक है। दसवां क्वेश्चन देखते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लूकोज। ठीक है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्लूकोज होता है वो 6 मेंबर रिंग जिसे पाइरीनोज रिंग भी कहते हैं होता है, ठीक है। अगला 11th देखते हैं, 11th है हॉवर्थ प्रोजेक्शन। तो क्या होता है, टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ साइक्लिक शुगर, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और 12वां है, द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्रुक्टोज। जो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज होता है वो 5 मेंबर रिंग फ्यूरिनोज रिंग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 13वां, इंटर कन्वर्जन ऑफ अ शुगर फ्रॉम एल्डोज टू कीटोज इज कॉल्ड। तो इससे ये जो है डिसेंडिंग ऑफ अ शुगर सीरीज कहते हैं। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 14वां है, लॉबली रीअरेंजमेंट जो होता है वो कहाँ यूज होता है। तो कन्वर्जन ऑफ कीटोस टू एल्डोस में इसका इस्तेमाल हुआ होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, स्टेपिंग अप मेथड यूज फॉर। स्टेपिंग अप मेथड कहाँ यूज होता है, तो कन्वर्जन ऑफ एल्डोस टू हायर एल्डोस, ठीक है। यहाँ पे इसका स्टेपिंग अप का इस्तेमाल होता है। उसी तरह स्टेपिंग डाउन जस्ट इसका अपोजिट होगा, कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू लोअर एल्डोज। ये हायर था, ये लोअर है। यहाँ अप रहेगा तो हायर, डाउन है तो लोअर होगा, राइट। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, इंड ग्रुप इंटरचेंज मेथड यूज फॉर। कहाँ यूज होता है, कन्वर्जन ऑफ अ कीटोज टू एल्डोज। अगर कीटोज से एल्डोज में कन्वर्ट करना है तो इंड ग्रुप इंटरचेंज मेथड का इस्तेमाल हो सकता है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डाइसेक्राइड। इसमें बताना है कौन सा डाइसेक्राइड नहीं है। तो यहाँ पे जो सेलुलोज ऑप्शन है डी, ये जो है डाइसेक्राइड नहीं है, ये पॉलीसेक्राइड में आता है, बाकी सब डाइसेक्राइड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां, सुक्रोज इज कॉम्पोस्ट ऑफ। तो सुक्रोज कैसे बनता है ये पूछा गया। तो सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा।
20वां क्वेश्चन है माल्टोज इज अ कॉम्पोस्ट ऑफ, माल्टोज कैसे बनता है, तो माल्टोज जो है ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है, वही लैक्टोज जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिलने से बनता है, ठीक है, तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। 23वां क्वेश्चन है सेलुलोज इज ए होमोपॉलीमर ऑफ अ ग्लूकोज, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लिंकेज बिटवीन टू मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। 25वां क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ अ सुक्रोज इज अल्फा ग्लूकोज बीटा फ्रुक्टोज, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। स्ट्रक्चर ऑफ अ माल्टोज इज अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज, इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 27वां क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज अल्फा गैलेक्टोज बीटा ग्लूकोज, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ई जो है करेक्ट इसका आंसर है। 28वां क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीसेक्राइड, तो यहाँ पे माल्टोज जो है पॉलीसेक्राइड नहीं होता है, ये एक डाइसेक्राइड है। 29वां क्वेश्चन है स्टार्च इज स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ एमाइलोपेक्टिन, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 30वां क्वेश्चन है सेलुलोज इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड इन अ प्लांट, यहाँ जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, जो सेलुलोज होता है वो प्लांट्स के सेल वॉल में पाया जाता है। अगला है ग्लाइकोजन इज स्टोरेज पॉलीसेक्राइड इन एनिमल, तो एनिमल में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, तो यहाँ जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज आर, जो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है वो एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एपीमर डिफर इन देयर कॉन्फिगरेशन एट, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये गलत है, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली वन एसिमेट्रिक सेंटर, यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ये गलत है, यहाँ पे जो ऑप्शन पहले से लिखा था। अगला देखते हैं 33 क्वेश्चन म्यूटा रोटेशन इज द प्रोसेस इन विच सुगर इज कन्वर्टेड फ्रॉम साइक्लिक फॉर्म टू ओपन चेन फॉर्म, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 35 क्वेश्चन है एनोमर डिफर इन देयर कॉन्फिगरेशन एट वो ओनली वन एसिमेट्रिक सेंटर, यहाँ बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। 36 नंबर का क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ अ म्यूटा रोटेशन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 37 है फिशर प्रूफ इज यूज टू डिटरमाइन द कॉन्फिगरेशन ऑफ मोनोसेक्राइड, ये जो है करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 38 है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ, यहां जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा एल्डिहाइड ग्रुप विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 5। 39 नंबर का क्वेश्चन है हावर्थ प्रोजेक्शन यूज्ड टू रिप्रेजेंट साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन इज कीटोन ग्रुप विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑन द कार्बन नंबर 5, ये जो है करेक्ट आंसर होगा इसका। 41 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड फॉर कन्वर्टिंग एल्डोज टू कीटोज, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट मेथड नहीं होगा, एंड ग्रुप इंटरचेंजिंग ऑफ एल्डोज, ये जो है इनकरेक्ट ऑप्शन है। 42 नंबर है लॉबरी रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ एल्डोज टू कीटोज, इसका करेक्ट आंसर होगा। फिशर मेथड के लिए पूछा जा रहा है, तो फिशर जो मेथड है वो एल्डोज को कीटोज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। रूफ मेथड का यूज होता है कीटोज टू एल्डोज के लिए। इन ग्रुप इंटरचेंज ऑफ एल्डोज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 46 नंबर का क्वेश्चन है सुक्रोज इज कंपोस्ट ऑफ, सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी बता चुका है, और माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से बनता है, ठीक है। अगला जो दो क्वेश्चन है ये आपके लिए है होमवर्क, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो इस तरह लगभग 50 क्वेश्चन यानी 49 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कवर किए हैं।